हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। आज इंडियन किचन में सबकी फेवरेट बनने जा रही है राजमा की रेसिपी, जो बिल्कुल आसान और जल्दी से बनने वाली है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। राजमा को मैंने ओवरनाइट सो करके रख दिया था। मॉर्निंग टाइम में मैंने इसको अच्छे से 3 से 4 बार धोकर इसको बॉईल कर लिया है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने ग्रेटेड जिंजर ली है, सूखी लाल मिर्च ली है, हरी मिर्च ली है, धनिया, 3 से 4 प्याज और 5-6 टमाटर लिए हैं। पैन में हमने तेल ले लिया है, उसमें हम जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, जीरा भून लेने के बाद हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, जिंजर पेस्ट डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए, प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए, हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारा तेल अलग नहीं हो जाता। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। देखिए, हमारा मसाला हमारे तेल से अलग हो गया है। अब इसमें हम जो उबाले हुए राजमा थे, हम इसमें डाल देंगे। और इसको 5 से 10 मिनट तक उबालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से हमारे राजमा में मिक्स हो जाए। तो देखिए, हमारे राजमा रेडी हो चुके हैं। राजमा को उबलते उबलते 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब आखिर में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। देखिए, हमारे राजमा बन चुके हैं। राजमा देखने में जितने बढ़िया हैं, उतने खाने में भी बहुत टेस्टी थे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।